सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। गाजियाबाद में 50,000 के इनामी को गोली लगी, उद्यमी के घर दिन दहाड़े डकैती डाली थी। उत्तराखंड में दर्ज 15 मुकदमे। कानपुर में 3 फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी, यूपीपीसीबी ने बढ़ते प्रदूषण के बाद की कार्रवाई। मेरठ में 16 घंटों में 2 मर्डर, दोस्त और भाई बने कातिल, कहीं भाभी के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, कई 2,000 रुपए का तगादे में मार डाला। आगरा में अवैध संबंधों के चलते 2 भाइयों में चली गोली, एक युवक की मौत, ऑटो में से शव लेकर थाने पहुंचे परिजन। प्रयागराज में डेंगू मरीजों के प्लेटलेट्स की नहीं हो रही है जांच, तीरबारदार बोले मच्छरदानी तक का इंतजाम नहीं। उन्नाव में 21 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त, फायर एनओसी के बिना चल रहे थे अस्पताल, सीएम ने उन्हें जारी किया नोटिस। कन्नौज में पुलिस ने दर्ज की जानलेवा हमले की रिपोर्ट, एसएचओ ने एक दिन पहले नकारी थी फायरिंग की बात। उन्नाव में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, काम करने गया था पति, 5 महीने से रह रही थी रिश्तेदार के घर में। फर्रुखाबाद जमीन विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, 5 लोग घायल, पुलिस ने 2 पक्षों के 11 लोगों को हिरासत में लिया। एफआईआर करने वाले डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज, इलाज के नाम पर 20,000 रुपए मांगने का आरोप, कार्रवाई न होने पर भाजपाइयों का प्रदर्शन। रायबरेली में फ्री कनेक्शन लेने वाले का बिल बकाया, अधीक्षण अभियंता ने उपभोक्ताओं से की बात, लापरवाही पर जेई को लगाई फटकार। भदोही में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में बिल ना जमा करने पर कटी स्टेट बैंक के बिजली जनरेटर से चल रहा है बैंक, रात्रि सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा। बागपत में दबंग ने परिवार से 7 साल तक कराई मजदूरी, पैसे मांगने पर की मारपीट, परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने का दे रहा है धमकी। उन्नाव में प्रधान के खेत पर कब्जे का प्रयास, विरोध पर प्रधान और ग्रामीणों के साथ मारपीट, दोनों पक्षों के 3-3 लोग हिरासत में। श्रावस्ती में लापता किशोर का गांव शोर गांव के बाहर मिला, 24 घंटे गायब था, नाले में उतारता मिला, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में साई की तकिया चौराहे पर हादसा, आज सुबह की टैंकर ने लोडिंग ऑटो को मारी टक्कर, 5 सवारी घायल, 2 की हालत नाजुक। फर्रुखाबाद में चला डेंगू जागरूकता अभियान, सीएम बोले बुखार को हल्के में ना लेने की भूल करें, घर के आसपास सफाई रखने की अपील की। ललितपुर में संदिग्ध अवस्था में किसान की मौत, भाई ने जताई सांप के काटने से मौत की आशंका, खेत पर कर रहा था सिंचाई। रायबरेली में सड़क हादसा, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 4 को जिला अस्पताल के लिए किया गया रेफर।
बदायूं में सपा नेता के परिवार की हत्या, पड़ोस में आवाज भी नहीं पहुंचे, 20 मिनट पहले घर से सभी गनर चले गए थे। बिजनौर में परिवार परामर्श केंद्र ने परिवार टूटने से बचाए, काउंसलिंग के बाद साथ रहने की तैयार हुई दंपति, दो को दोबारा बुलाया। महाराजगंज एसपी ने 11 थानेदारों का किया तबादला, 5 निरीक्षक 10 उप निरीक्षकों का कार्य क्षेत्र बदला। समल में सड़क हादसे में 24 लोग घायल, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने पिकअप में मारी टक्कर, रामनगर से लौट रहे थे घर। हरदोई में मामलों विवाद में निकले फरसे और तमंचे, युवक का तमंचा लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने दबंग युवक को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल, शादी समारोह का बताया जा रहा है वीडियो। अयोध्या में ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर किशोर की मौत, मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जलालपुर शाहगंज रोड किया जाम। गोंडा में खुलेआम हो रहा है असलाह का प्रदर्शन, पुलिस बनी अनजान, रौब जमाने के उद्देश्य किया गया असलाह का प्रदर्शन। अलीगढ़ में एमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर मोरबी हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि, कहा मामले की जांच कराए सरकार। मऊ में जम सपर के दौरान दो प्रत्याशियों के बीच हुई जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अलीगढ़ में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, पौष्टिक आहार की कालाबाजारी का लगाया आरोप। औरैया में जिला प्रशासन ने यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कार्यक्रम में डीएम और एसपी समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। देवरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर की गई रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजित हुआ, पुलिस द्वारा शहर में किया गया फ्लैग मार्च। गोंडा में भारतीय करेंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार भगत सिंह की तस्वीर लगाने की हुई मांग, योगी भक्त ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। गोरखपुर में छत से गिरकर कांस्टेबल की मौत, 2021 बैच के सिपाही थे अभिषेक, राजघाट थाने के बसंतपुर चौकी पर थे तैनात। गोंडा में एसपी ने पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि, राष्ट्र की एकता व अखंडता की दिलाई शपथ। हरदोई में दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहा है सवाल। कानपुर में अपहरण करके छात्र की हत्या, घर से 1 किलोमीटर की दूर औंधे मुंह पड़ी लाश पर बैग में था, हाथ में महंगी घड़ी बंधी मिली। लखीमपुर खीरी में आज थम जाएगा गोला, गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार, सपा भाजपा के सामने आमने सामने की टक्कर है। लखनऊ में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक, वजीरबाग गढ़ैया में बंद कर घर चोरों ने बोला धावा, नकदी व जेवरात किया पर हाथ साफ किया। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामिया बदमाश गिरफ्तार, आरोपी कई मामले में था वंचित।
जश्न की तरह मना राजा भैया का जन्मदिन। समर्थकों ने केक काट कर दी जन्मदिन की बधाई। सरदार पटेल को भी किया याद। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत। परिजनों ने मृतका के चाचा के परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। सुल्तानपुर जंक्शन में प्रयागराज जाने वाली मानेवर संगम एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं निकलने से यात्रियों में मची अफरा तफरी। सभी यात्री ट्रेन से उतर नीचे। गोरखपुर में एडीजी अखिल कुमार ने यातायात माह का किया शुभारंभ। एडीजी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कन्नौज में जनरल स्टोर की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लगभग 22 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। लखनऊ में निवर्तमान सपा जिलाध्यक्षों महानगर अध्यक्षों को नरेश उत्तम पटेल ने लिखा पत्र। वोटरों की लिस्ट सपा मुख्यालय भेजने के दिए निर्देश। ग्रेटर नोएडा में इंडिया वाटर वीक शुरू। राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। सीएम बोले कानपुर का सीसा मऊ आज सेल्फी पॉइंट बना। स्कूल में थाली नहीं लाने पर बच्चे की पिटाई। कानपुर में प्राइमरी स्कूल की प्रधानाचार्य पर आरोप। इतना पीटा कि नाक से खून आ गया। बाराबंकी में ट्रेन की टक्कर से दो बच्चों की मौत। खेलते खेलते दोनों पहुंचे रेलवे पटरी पर। परिजनों ने की शिनाख्त। ट्रैक पर खंभा रखकर पूर्वा एक्सप्रेस को पटाने की साजिश। चकेरी स्टेशन के आगे हुई घटना। इंजन से ही टकराने से टल गई बड़ी घटना। मुजफ्फरनगर में ज्वेलर से 8 लाख की ठगी। सोना बताकर पीतल थमा दिया। कर्ज चुकाने के लिए बेचना पड़ रहा है मकान। रामपुर में बोले दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन। दिल्ली और पंजाब मॉडल यूपी में घर घर पहुंचाए। आम आदमी पार्टी है भाजपा का विकल्प। हापुड़ में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से हजारों की नकदी और सामान चोरी। ग्रामीणों में आक्रोश। मंदिर में ही सो रहे थे पुजारी। मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुए आजम खान। होटल उतरने के मामले में 4 नवंबर को होगी सुनवाई। साल 2019 में जयप्रदा को कहा था नाचने वाली। आजमगढ़ पुलिस ने 17 पुलिसकर्मियों के किए तबादले। कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए हुए फेरबदल। अमेठी में यातायात माह का शुभारंभ। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर सड़क सुरक्षा का दिया मंत्र। सोनभद्र में सड़क पर महिला का प्रसव। प्रसूता को कमजोर देख सीएससी ने किया था रेफर। रास्ते में गाड़ी रोककर करानी पड़ी डिलीवरी। चंदौली में यातायात माह का आगाज। रैली निकालकर किया जागरूक। भाजपा नेताओं से मिलने व्यस्त रहे एसपी। गोष्ठी में खाली रही कुर्सी। हापुड़ एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। शुरू हुआ यातायात माह। यातायात नियम पालन की अपील की। बाराबंकी के स्टाफ नर्स की डेंगू से मौत। 3 दिन पहले बुखार आने पर निजी अस्पताल में कराया था भर्ती। अस्पताल में बेड फुल हो गया। प्रधान के खिलाफ भाकियों के किसान नेता का प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में डीएम को ज्ञापन देकर लगाए गंभीर आरोप। जांच की मांग की। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में मंत्री जितिन का छापा। एचओडी छोड़कर सभी मिले गायब। 2 इंजीनियर सस्पेंड। 6
जवाब तलब भी। सहारनपुर सड़क हादसे में तीन की मौत, एक ही ट्रक ने 100 मीटर की दूरी पर तीन को रौंद दिया, ट्रक छोड़कर फरार हुआ चालक। बागपत में गन्ने के खेत में मिले गोवंश के अवशेष, ग्रामीणों का हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, पुलिस ने अवशेष कराया दफन। बाराबंकी में धान क्रय केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबार, धान खरीद से पहले किसानों की धक्का मुक्की, टोकन मिलने तक हो रही है परेशानी। संसद में 25 सांसद धर्माचार होने चाहिए, कानपुर में देवकी नंदन ठाकुर बोले, धर्म का राज होता तो देश में लिव इन कानून ना बन पाता। बाराबंकी में दुष्कर्म पीड़िता को जमकर पीटा, आरोपियों के परिजनों ने मां बाप के तोड़े हाथ पैर, पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा, एक फरार। एटा में बच्चों ने निकाली यातायात जागरूकता रैली, डीएम और एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, यातायात मां का शुभारंभ। मैनपुरी में हार्वेस्टर की चपेट में आकर किसान की मौत, खेतों पर धान की कटाई कर रहा था चालक, मशीन छोड़कर फरार। गौशाला में पूजन करने पहुंचे डीएम विशाल भारद्वाज, आजमगढ़ में पदाधिकारी बोली नहीं मिलती सरकारी मदद, अनाधिकृत लोगों का कब्जा। महोबा में यातायात माह का आगाज, डीएम बोली जीवन अनमोल, ड्राइव करते समय करें ट्रैफिक नियमों का पालन, लोगों को दिलाई शपथ। डिप्टी सीएम के ट्वीट के बाद हरकत में आए महकमा, गाजीपुर में झोलाछाप और अवैध अस्पतालों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। सांसद ब्रजभूषण ने ओवैसी के पूर्वजों को बताया हिंदी बोले, एमआईएम के अध्यक्ष ने बाबा के पिता का नाम तुलसी रामदास था। फतेहपुर में डेंगू से बचाव को बांटी दवा, बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टिप्स दिए, साफ सफाई पर दिया जोर। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।